मासूम से दिखने वाले ये पेंगुइन इंसानों की मौत के कारण भी बन सकता है, ये बात आपको शायद ही पता होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको बता दूं, एक पेंगुइन हर 20 मिनट में अपना वेस्ट निकालता है और ये आर्कटिक जैसे ठंडी इलाकों में लाखों के तादाद में एक साथ रहते हैं। तो लाखों पेंगुइन अगर हर 20 मिनट में अपना वेस्ट निकालेगा तो कितना वेस्ट जम जाएगा, जरा सोच के देखिए। नासा ने सैटेलाइट से जब देखा तो ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ खड़ा है, लेकिन बाद में जाके पता चला ये पेंगुइन की वेस्ट मटेरियल है। अभी आप पूछेंगे इनकी वेस्ट मटेरियल से भला हमें क्या लेना देना, तो आपको बता दूं इनकी वेस्ट मटेरियल से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरे डाइट लेते हैं जिनमें मछली, क्रिल्स आदि शामिल है, जिससे इनकी वेस्ट मटेरियल से बहुत ही बड़ी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो थर्ड मोस्ट डेंजरस ग्रीन हाउस गैस के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और आपको बता दूं ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड एक तरह के लाफिंग गैस भी होता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।